नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये रोड जो है वो कल बनकर तैयार हुई थी और मैं सुबह सुबह अपने गांव जा रहा था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी जो है फिसल कर झाड़ियों में गिर गई है, क्योंकि यहाँ पे मोड़ भी है और ये रोड बिल्कुल ही नहीं बनी है, मतलब कल बनकर ही तैयार हुई थी और आज सुबह सुबह शायद रात को ये गाड़ी जो है फिसल कर झाड़ियों में गिर गई। अब मज़े की बात दोस्तों इसमें ये थी कि ये गाड़ी जो है वो राइट साइड से आ रही थी, यानी जो जिस साइड कैंपर का मुँह है उस साइड ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन इसका मुँह फिसलने की वजह से इस साइड हो गया, मतलब उल्टी दिशा में ये वापस घूम गई फिसल कर। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मोड़ है, मोड़ की वजह से ये गिर गई। तो इसको अभी कैंपर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये दो ही बंदे हैं, एक इसका जो ड्राइवर जो चला रहा था, हालांकि किसी को चोट वगैरह कुछ भी नहीं लगी और गाड़ी को भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बस एक दो टायर वगैरह पंचर हुए हैं या छोटा मोटा डेंट वगैरह पड़ा है। तो इसको पीछे खींच कर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पीछे तो नहीं निकल पा रही थी। तो अभी कोशिश करते हैं कि इसको आगे धक्के वगैरह मार के निकाला जाए जैसे तैसे करके, क्योंकि एक साइड काफ़ी खाई है, मतलब बिल्कुल टेढ़ी जगह है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस वजह से ये जो है स्लिप कर रही है यहाँ पे, जैसे ही इसको मतलब गाड़ी स्टार्ट हो रही है प्रॉपरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और स्टार्ट होने के बाद आगे पीछे चल भी रही है लेकिन फिसल रही है। तो देखते हैं धक्के वगैरह निकाल के जैसे भी ये निकलती है, तो जैसे भी जैसे यहाँ पर आई है इसके बाद ये नीचे से टच हो जा रही है, टच होने की वजह से ये ऊपर तक नहीं आ पा रही है। तो अभी ईंट वगैरह लगाएंगे और इसको निकालने के लिए कोशिश करेंगे और इनकी मदद करेंगे। तो दोस्तों हम दो तीन बंदे थे इसके अलावा यहाँ पे बाइक वाले, क्योंकि ये रनिंग रोड है तो यहाँ पे और भी बाइक वाले आ गए हैं, तो काफ़ी सारे बंदे हो चुके हैं हम, और यहाँ पे ईंट वगैरह लगा दी है ताकि प्रॉपर स्पेस बन जाए इसके नीचे। अब इस को धक्के मारेंगे चार पांच बंदे एक साथ मिलके, तो ये निकल जाएगी आई थिंक। है जगह नीचे आने दे, आने दे, कौन ये डर, कौन ये डर, धक्को मरवा रहे सारे जना जाए, धक्को मर। तो दोस्तों फाइनली जो गाड़ी है वो निकल चुकी है, बस तब थोड़ी सी देर की बात है निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऊपर तक आ चुकी है ये, बस लास्ट वाला टायर जो है वो थोड़ा सा उसके नीचे एक दो इंच और लगाएंगे, उसके बाद ये निकल जाएगी। तो अभी सारे एक साथ धक्के लगा रहे हैं और इसके बाद ये निकल जाएगी इस बार।